तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सर आप देख रहे हैं पंचमी पंचमी है जो हमारा प्लान। फूल का नाम बताइए, ये पहाड़ी आदमी समझ पाएगा कौन सा फूल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फाइनली गाइस, तो पहले ये रास्ता, अगर कोई नदी का व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है नीचे। तो फाइनली हम तो ये है कुछ इस तरीके, इस तरीके का नजारा। होटल में हम थोड़ा रैन बसेरा कर रहे हैं खाने को का। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सर आप देख रहे हैं नरेश रात फूड ब्लॉग, स्वागत करता है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप लोग, आई होप आप सभी सही होंगे, सभी कुशल मंगल से होंगे। आप सभी को पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पंचमी ने जो हमारा प्लान बनाया है वो इस तरीके का बनाया है कि पंचमी आ जाए, आज 26 जनवरी भी है, आपको सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्लानिंग कुछ ऐसे है कि जो हम पंचमी में जाएंगे वो जाएंगे देवप्रयाग, जहाँ की बहुत भीड़ लगती है और दो नदियों का संगम है। तो हम भी वहीं चलते हैं देखने के लिए कि कितना क्राउड आता है और क्या मतलब वहाँ कितना भीड़ है, आज वही दिखा दे आपको। तो चलते हैं अब। फूल का नाम बताइए, ये पहाड़ी आदमी समझ पाएगा कौन सा फूल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो फाइनली गाइस, पहले हाँ लेता हूँ उसके बाद बोलता हूँ। मैं पुल के ऊपर आ गया हूँ, पुल से ऊपर आ गया। यहाँ से 15 मिनट का रास्ता नेशनल हाईवे में जाने का है, तो वहीं से हम गाड़ी पकड़ के देवप्रयाग के लिए निकलेंगे। तो पहले ये रास्ता बिल्कुल आम था, यहाँ पे जाने के लिए आने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से रोड गांव में गई हमारे हरिंग में, तब से यहाँ से गुरुजी या कोई किसी को अगर ऋषिकेश में उधर के लिए अगर गाड़ी नहीं मिलती पौड़ी की तरफ के लिए, तो यहाँ से पैदल आते हैं। लेकिन पहले इस रास्ते पे कोई ना कोई दिख ही जाता था, बहुत बढ़िया रास्ता था, लेकिन सब भारी सामान के लिए काफ़ी दिक्कत होती थी। अगर कोई मेरी तरह सीधा चले तो खरीक से ये माधव चट्टी धार में 1 घंटा लगता है पूरा, अगर कोई मतलब एक चाल में चले तो। नदी का व्यू देखो कितना बढ़िया लग रहा है नीचे। तो फाइनली हम जस्ट 5 मिनट लेट हैं, अभी तक बताता हूँ आपको कहाँ पे। तो ये है कुछ इस तरीके का रास्ता, अब वो देखिए वो आ गया रोड जहाँ पे आपको एक छोटी सी झोपड़ी दिख रही थी। हम
दोनों के लिए हैं गाइस। हमने आइसक्रीम खा लिया, तो अभी जो स्प्रिंग रोल का ऑर्डर दे रखा है अब स्प्रिंग रोल खाएंगे। तब तक फिलहाल मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। इस तरीके का नज़ारा बाहर आने के बाद दिखा। इधर पुल बन रहा है अभी। भाई साहब ऐसी जगह में रह कौन रहे हैं? रहने वाले रह भी रहे हैं, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है देख के। मकानों की पत्थर के ऊपर बने हैं सारे। होटल में हम थोड़ा रैन बसेरा कर रहे हैं खाने को। पुलिस वाले का नाम है तो पवित्र जल लेते हैं। Thank you.
Thank you.